सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। ब्रेन बस्ट में आपका फिर एक बार स्वागत किया जाता है और इस वीक जो बातें होंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अफेक्ट करती हैं उस सारे रीजन को जिसको हम इंडियन सब कॉन्टीनेंटल रीजन कहते हैं आपको पता है कि कुरैशी साहब ने बयान दिया सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट और उस वक्त वहाँ पर सऊदी अरेबिया वालों ने जी इनसे एक बिलियन डॉलर वापस मांग लिए वो इनको देने पड़े चाहे इन्होंने चाइना से लेके दिए अब बाजवा साहब आई एस आई के हेड के साथ सऊदी अरेबिया जाते हैं कि क्रेशी साहब ने जो बयान दिया है उसको मैं जाके वहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर सकूँ अब आप देखिए दो दिन के लिए वो वहाँ पर गए और चौबीस घंटे के बाद ही वो वापस आ गए क्योंकि वहाँ के जो प्रिंस बिन सालमान हैं उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप हमें टाइम दें लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया क्योंकि वो बहुत नाराज़ थे पाकिस्तान की इस हरकतों से और दूसरा उनके जो छोटे भाई हैं प्रिंस सालमन के उन वो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने सब कुछ हमारा जो रिश्ता है सारा ठीक हो गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक प्रेसिडेंट जी उनको नहीं मिले अब उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान और चाइना हमारे आयरन फ्रेंड्स हैं अब आप देखिए आयरन फ्रेंड्स और उन्होंने कहा कि जो ये सड़कें बना रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर के एरिया के ऊपर और जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनको करते रहना चाहिए लेकिन जो बयान जो स्टेटमेंट आई है उसमें इंडिया के कश्मीर के बारे में कोई वर्ड नहीं है तो ये ताहिर साहब से पूछते हैं कि क्या वजह है कि चाइना जब ओपनली यूनाइटेड नेशन में तीन मीटिंगें कॉल कर चुका है और जब फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं तो उस स्टेटमेंट में क्यों नहीं कश्मीर का इशू जिसके लिए वो वहाँ पर गए हैं हाँ जी उनका धन्यवाद करने गए हैं या पैसा लेने गए हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया से उनको वो नहीं सहूलतें मिली जो वो एक्सपेक्ट करते थे यानी कि बाजवा साहब के जाने के बाद भी आईएसआई के चीफ के जाने के बाद भी वो बातें नहीं हुई कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है क्या वाकई अब उनकी बुक्कल में पहुँच चुका है चाइना की बुकल में अब उनको नजर नहीं कुछ आता अगर वो चाइना के साथ ऐसे रिलेशन बढ़ाते रहेंगे तो वो सऊदी अरेबिया को और नाराज़ कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया ये जानता है कि चाइना इज़ गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल विद इरान स्वागत करते हैं ताहिर साहब का डॉक्टर शुक्रिया आ, बड़ी ज़रूरी बातें हैं एक बात तो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो आ, चीन के दौरा पर गए हैं तो प्रोटोकॉल हमेशा यही होता है कि वो प्रेसिडेंट से नहीं मिलेंगे वो तो अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे यहाँ इसकी वजह ज़रूरी है पहले भी फॉर मिनिस्टर के जितने विजिट्स हुए हैं ना वो हमेशा काउंटर पार्ट से ही होते हैं चूँकि हाँ जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जाएंगे तो फिर उनकी प्रेजिडें से मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि बड़े स्पेशल हैं इसलिए कई बार प्रेसिडेंट जो है वो मिल लेते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर भी हाँ, हाँ लेकिन नहीं वो सर चूँकि पाकिस्तान और जो है चीन वो बराबर के पार्टनर नहीं है वो कोई बहुत हैवी वेट कंट्री है एक बात दूसरा वैसे भी प्रोटोकॉल का ये एक तकाजा होता है बहुत रह, बहुत रेयर दुनिया में होता है आ, इसी तरह आप बाजवा साहब का जो विजिट है सऊदी अरब का उसमें भी जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन तो यही कहेंगे कि प्रोटोकॉल के मुताबिक वो सऊदी अरब के चीफ ऑफ स्टाफ से मिले जो वाइस आ, डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरब वो मिनिस्टर भी नहीं है उनके भाई जो हैं शाह सलमान के उनसे भी उनकी मुलाकात हुई लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला था इसलिए कि सऊदी अरब के साथ हमेशा ही बाजवा साहब जब विजिट करते थे तो उनकी किसी न किसी तरीके से उनके हेड ऑफ द स्टेट से मुलाकात हो जाती थी इसलिए कि पाकिस्तान की फ़ौजी मर्सनरीज़ के तौर पर वहाँ काम करती हैं बहुत सारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं सऊदी अरब के वहाँ पे इनके इम्प्लॉज़ हैं पाकिस्तान की लेबर फोर्स भी अच्छी खासी थी आजकल कोविड की वजह से ज़रा पाबंदियाँ हैं और फिर पाकिस्तान के वाकई ही सऊदी अरब के साथ अरसा दराज़ तक स्पेशल तलक और वो मुल्क भी दोनों अपने डेमोग्राफिक के अतबार से साइज़ के अतबार से वो चीन और पाकिस्तान का डिफरेंस नहीं है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान पाकिस्ता का है लेकिन शाह सलमान नहीं मिले उनसे पाकिस्तान का तो यही कहना है कि भाई रूटीन की बात थी हम तो चीफ दामी गए हैं चिफदामी साहब से मिले हैं वो तो एक ऐसी बात होती है लेकिन ये बात पूरी दुनिया को पता है कि जो मिस्टर बाजवा थे वो स्पेशल एजेंडा लेके गए थे लेकिन मसला ये है कि उन्होंने भी सऊदियों ने भी एक मैसेज देना था यहाँ पर आपने एक और बात की बड़ी इम्पॉर्टेंट वायरे वे चीन के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे तल्लक रहे हैं राइट right. पास्ट में रहे हैं आ, मैं अभी भी वो पास्ट को बहुत पुराना नहीं अभी भी कोई तल्लक़ ख़राब नहीं हुए आज के दिन भी डॉक्टर साहब चीन सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा तेल ले रहा है क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिश्ते होते हैं ना वो इकनॉमिक्स के होते हैं <laughs> बाकी सब बेकार की बात है आज के दिन भी चीन सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल ले रहा है ना कभी अमेरिका ने कहा सऊदी अरब को कि आप चीन को तेल ना बेचे ना अभी तक कहा है क्योंकि चीन की वो पोजीशन तो नहीं है ना जो ईरान की है थोड़ी सिचुएशन समझने के मैं है ईरान जो है वो उस पर सेंक्शन है चीन पर तो नहीं है सेंक्शन अभी तक तो नहीं है मैं आपको बाय द वे बता दूं कि फ्यूचर में भी चीन पर इस तरह की सेंशन लग भी नहीं सकते जिस तरह ईरान पे है वो तो देखिए मेरा देखिये उसका रीजन ये है कि इनकी जो खपत है वो इतनी ज्यादा है कि अगर सऊदी अरेबिया से चीन ऑयल लेना बंद कर दे तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है दैट्स नंबर वन जी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई ऑयल इंपोर्ट करता है वो चाइना है अब जो चाइना ने इसका मैं इसलिए बीच में बोला हूँ जो चाइना ने ईरान के साथ 25 इयर्स ईयर्स का फ़ैसला किया और उसमें ऑयल की जो उन्होंने कहा कि हम आपका ऑयल जो है वो लेंगे तो वो जब ऑयल वहाँ से लेना शुरू कर देंगे तो तब डेफिनेटली सऊदी अरेबिया पर उसका इफेक्ट पड़ेगा देखिए वो तो खैर बाद में पड़ेगा लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी चीन पर भी पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का चीन ईरान के मामले में सऊदी अरब से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है ये इंफॉर्मेशन है और सऊदी अरब भी कर रहा है कि भाई आपको पता है कि वो ये कह रहे हैं कि हम हमारे ईरान से बहुत बुरे तलक्रा हैं तो उसमें चीन भी इंडिपेंडेंट कंट्री है सऊदी अरब भी इंडिपेंडेंट कंट्री है दोनों बड़े स्टेक होल्डर हैं और मेरा ये ख्याल है कि अंट अनलेस को बहुत बड़ी रीजनल तब्दीलियाँ ना हों सऊदी अरब और चीन का धंधा कारोबार चलता रहेगा ऑयल का कारोबार ठीक है तो ऑयल के अलावा भी मैं आपको बता दूँ डॉक्टर साहब ऑयल के अलावा भी ऐसा नहीं है कि जो जो सऊदी अरब को चीन से सामान की जरूरत होगी वो भी जाती रहेगी क्योंकि कारोबारी रिश्ते जो होते हैं ना टू वे होते हैं राइट बल्कि ऑल वेज होते हैं वो चलते रहेंगे लेकिन ये एक दरार जरूर आएगी जो इनके साथ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चीन जो आपने बात की कि कश्मीर का मसला नहीं आया मैं अब उसको बीच में लाता हूँ चूँकि चीन को भी ये बात गालबन समझ आ चुकी है कि भई हम कश्मीर 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 करते करते भारत के साथ अपनी कारोबारी जो रिश्तादारी है उसको और ना ख़राब होने दें चूँकि चीन अब इस स्टेज पर आ गया हुआ है ऐप्स के बंद होने के बाद और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बंद होने के बाद कि स्लोली एंड ग्रेजुअली भारत के साथ अपनी रिलेशन मेंड करने की कोशिश भी करें और अपना डिस्प्यूट भी रखें ये दो बड़े ही मुश्किल मामला था देखिए डॉक्टर साहब डिस्प्यूट तो पहले भी चला ही आ नहीं, रहा है नहीं डिस्प्यूट डिस्प्यूट तो पर्सनल की हम बात कर रहे हैं ना, ना ना के कश्मीर की वो जो डिस्प्यूट है वो तो उनका जी लेकिन डॉक्टर साहब कश्मीर भी कश्मीर भी भारत के साथ डिस्प्यूट का एक एंगल है चाइना के माइंड बिल्कुल 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 चाइना का है एक मामला क्योंकि कश्मीर के मामले में डॉक्टर साहब ये एक रियलिटी है कि तीन पार्टीज बन चुकी अब मतलब पाकिस्तान और भारत ही नहीं है चीन भी एक पार्टी है नहीं मतलब चीन का जो जो है है उसकी आंख लद्दाख के ऊपर जी uh, reason, या उसमें, उसमें पाकिस्तान के, के वो उनके चला जा चुका हुआ मैं वही कहता हूँ ना लेकिन भारत तो तस्लीम नहीं करता डिस्प्यूट तो यही होता तो डिस्प्यूट यही होता है कि हु केयर्स के मतलब वो एक पार्टी कहती है आई डोंट केयर राइट ठीक है तो वो डिस्प्यूट तो है तो कश्मीर के डिस्प्यूट में चाइना भी शामिल है चाहे वो गलत है या ठीक है लेकिन चाइना भी एक पार्टी तो है उसमें लद्दाख भी कश्मीर का ही हिस्सा है राइट right. ठीक तो लेकिन चाइना इस डिस्प्यूट के बावजूद hmm. पाकिस्तान की तरह भारत के साथ बिहेव 65 के बाद नहीं कर रहा था 62 की वार के बाद और दो तीन साल की जो बड़ी शरीर टेंशन थी लेकिन फिर उन्होंने उस पर बिहेव करना शुरू कर दिया नहीं। नहीं। दो दो गुलाम का वाक्य आपके सामने है फिर ये जो अभी हुआ है स्टैंड ऑफ बड़ा ख़तरनाक वाला तो अब चीन तो इस चक्कर में है कि मैं अपने इकतसादी जो इंटरेस्ट है उस पर कितना का हर्ट ले सकता हूँ उन्होंने देख लिया कि हम हमारी जो ये जो थ्रेश होल्ड है भारत के साथ इतना ही था क्योंकि हम इकोनॉमिक सेटबैक अफोर्ड नहीं करते ये मतलब चीन ने कहा नहीं लेकिन उनके बिहेवियर से लग रहा है तो मेरा ख्याल है उसी बिहेवियर की वजह से वो इस बार कम से कम स्टेटमेंट की हद हाँ तक नहीं आए नहीं पर देखिए ताहिर साहब बात यह है कि उन्होंने स्टेटमेंट चलो कश्मीर के इशू पर नहीं दी लेकिन जिस तरीके से वो रिलेशनशिप की बात करते हैं चाइना के साथ उसका अफेक्ट तो डेफिनेटली इंडियन कंटिनेंट पर पड़ता है और इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं जो थिंकर्स हैं या जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी थिंकिंग पर भी ये पड़ता है अफेक्ट अल्टीमेटली कि चाइना के साथ इनकी इतनी जो क्लोजनेस है, है वो दो चीज़ें करेगी एक तो ये कि जो हथियार रशिया से जो अब अमेरिका से नहीं मिल रहे चाइना को वो अब चाइना से वो ले सकते हैं जी हैं हाँ जी और इस तरीके से वहाँ पर फिर गड़बड़ी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं हाँ जी कश्मीर में अपने इलाकों में ट्रेनिंग देकर अब वो जो ये ये जो इशू है ना जी ये बड़ा सीरियस इशू है डॉक्टर साहब देखिए बात ये है कि पाकिस्तान को कब पाबंदी रही है चीन से हथियार लेने की वो पाबंदी तो कभी नहीं रही नहीं नहीं वो तो मतलब जा जब चाहे ले सकते थे और लेते रहे हैं उसमें तो कोई उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ठीक है लेकिन अच्छा दू, दूसरा मसला ये है कि जो चीन के साथ जो प्यार की पिंगों की बातें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा होती हैं चीन की तरफ से तो कम होती हैं चीन चीन का ये रेटरक इतना नहीं होता हमें ये बात ही नहीं होगी ये तो पाकिस्तान रोज़ रोज़ कहता है ना क्योंकि पाकिस्तान को और क्या कहना है दुनिया में अब रिश्ते उनके बहुत कम हो गए हैं तो वो तो पाकिस्तान कहते हैं कि चीन से हमारी बड़ी दोस्ती है चीन कभी कभी कहता है लेकिन उनकी लैंग्वेज वो नहीं होती जो पाकिस्तान की लैंग्वेज होती है तार साहब इसमें एक बात निकलती है कि क्या अब भाजपा और क्रैशी रह गए हैं पॉलिटिशियन जो के बयान दिया करेंगे या जो डील किया करेंगे वर्ल्ड में है जी जो इमरान खान को जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है जी वो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं इमरान खान ने तो बयान दिए वो, वो बयान जो है वो तो दब, इंडिया के अगेंस्ट तो वो डॉक्टर साहब बात यह कि कुरैशी भी नहीं मैटर करते हैं कुरैशी भी कहाँ मैटर करते हैं नहीं, नहीं मैं हो सकता आर्मी का पक्का पपेट पक, हो गया हो। नहीं पपेट हो गया हो क्या मतलब वो तो पपेट है फॉर द पास फोर्टी इयर्स से वो तो पीपल्स पार्टी की सरकार में मुशरफ की सरकार में जिसमें भी होता था तो वो तो पपेट ही होता था आर्मी का तो वो तो कोई मतलब कोई नई बात थोड़ी है वो तो मतलब मैं एक सख्त लफ्ज यूज करने वाला था पपेट से ज्यादा पपी है लेकिन कोई ऐसा मतलब इसमें सीक्रेट तो है नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट ही पाकिस्तान के हर की इशू को वॉच करती है डील करती है मॉनिटर करती है और उस इंटरेस्ट को आगे लेकर चलती है वो तो खुद भी ये स्टेटमेंट देते हैं लेकिन स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने पॉलिटिकल बंदे रखे होते हैं आपका क्या हाल है इवन पीपल्स पार्टी की हुकूमत या मुस्लिम लीग की हुकूमत जो थी आ, या जो कई हुकूमतें उनकी अदली बदली तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स कश्मीर या चीन के साथ तल्लक या किसी भी मुल्क के साथ तल्लक वो आर्मी से पूछे बगैर करते थे इम्पॉसिबल था ये मिस्टर कुरैशी तो कई हुकूमतों में रहे हैं पोलिटिकल पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनको लेकिन मसाला ये है कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने भी कहा कि हमारा अब द ओनली उन्होंने वर्ड यूज़ किया फ्रेंड ऑफ ऑल सीजन ठीक लेकिन क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए है चूंकि ये बात रियलिटी है डॉक्टर साहब कि इमरान खान जब आए थे उस वक्त बाजबार्टैब्लिशमेंट ये चाह रहे थे कि हम चीन के चुंगल से बाहर आए लेकिन चीन के चुंगल से बाहर नहीं आ सके इसलिए कि बाकी दुनिया ने साथ नहीं दिया बाकी दुनिया ने इसलिए साथ नहीं दिया कि वो ट्रस्ट नहीं करते नहीं। मतलब अमेरिकन सऊदी गल्फ स्टेट्स ट्रस्ट नहीं करते भारत भी ट्रस्ट कर लिया करता था बातों में आ जाया करता था लेकिन जब से मोदी जी आए हैं छः साल से शुरू में उन्होंने ट्रस्ट करने की पाकिस्तान को कोशिश की नवाज शरीफ के घर भी गए सारा कुछ अनऑफिशियल विज़िट भी हुआ लेकिन कोई फॉर द पास्ट थ्री ईयर्स तलक बुरे से बुरे होते जाते जा रहे हैं चूंकि उनको पता चल गया कि भाई ये मैटर नहीं करते ना फॉरन मिनिस्टर पाकिस्तान का मैटर करता है ना कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैटर करता है कोई भी मैटर नहीं करता ये अमन की आशा वाशा तो ऐसे ही बेकार किस्म के खेल हैं ये तो डिफ्यूज करने के लिए होते हैं टेंशन को और पीछे से छुरा घोपने गुँ, के लिए होते हैं तो वो सिचुएशन चेंज हो चुकी इस वजह से मैं आज भी आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका कर ले चाहे अमेरिका गल्फ स्टेट्स के जरिए कबूल कर ले पाकिस्तान दस्तन लगाएगा चीन के चंगल से बाहर आने में ये मैं आपको दावे से बता रहा हूँ इसलिए चीन का जो जाल है ना ये हमारी इंफॉर्मेशन भी है और हमें नज़र भी आ रहा है पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इतना, इतना एक फियर पाया जाता है कि भाई होगा क्या हमारा चूंकि अमेरिकन जो इनको मदद देते थे कुछ अपनी मानमानियां करवाते थे अमेरिकन तो वहाँ बैठते नहीं थे ज्यादा से ज़्यादा सी आई ए का अफगानिस्तान बन जाता था एक इस्लामाद या कहीं पर बन जाता था वो अपने इंटरेस्ट वॉच करते थे लेकिन चाइनीज़ तो हर मामले में इंटरफियर करते हैं सिर्फ इंटरफियर ही नहीं करते मैंने सुनाया कि चाइनीज़ वहाँ पर थाउजेंड्स की गिनती में जो हैं वह पाकिस्तान में अगर आप किसी मतलब बड़े शहर में चलो कराची में लाहौर में ऐसा वहाँ पर आपको हर थर्ड फोर्थ एक चाइनीज़ नजर आता है ये मुझे मेरे पाकिस्तानी जो जी जी बिल्कुल, बिल्कुल है वो बताते हैं कि वहाँ पर अब चाइनीज़ जो है वो बायदा ऐसे ही नज़र आने शुरू हो गए जैसे यहाँ आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को उन कंट्रीज़ में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो अपना पैसा लगाते हैं जहाँ पर बाद में उन्होंने वो ज़मीनें हड़प करनी होती हैं एरियाज हड़प करने होते हैं, हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक फिर वही है कि चाहे अमेरिका इनको पैसे दे ना दे पहले तो ये है कि अब तो खैर अमेरिका का कोई फैसला होना ही नहीं टिल इलेक्शन जी तो अब ये चीज़ अगले साल पर जान पड़ी लेकिन इस वक्त जो डिपेंडेंसी है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हाथ खींच लिया पैसे का अमेरिका ने टोटल हाथ खींच लिया और कोई कंट्री उनको दे नहीं रहा इसलिए आप नहीं समझते कि इकनॉमिक डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान की वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है बिलाशुबा ये बहुत हो चुकी है डॉक्टर साहब इकनॉमिक डिपेंडेंसी अब तो चाइना पे ही है लेकिन चाइना की जो चाइना पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो भी रिलायबल नहीं है क्योंकि वजह ये है कि चाइना अभी अपने पुराने लोन्स के इंटरेस्ट भी वापस लेना चाह रहा है सिर्फ इंटरेस्ट तो जो पैसा देगा चाइना वो और लोन चढ़ेगा उनकी लोन की परसेंटेज भी बहुत हाई है और उसी लोन में से वो कहेंगे कि हमें अपना इंटरेस्ट तो कम से कम ना वापस तो इनकी डिपेंडेंसी और बढ़ेगी यानी ये और शिकंजे में फंसेंगे और फिर इनके पास दूसरा ऑल्टरनेट कोई नहीं है अब जैसे सऊदियों ने उनको पैसा दिया हुआ था तो कोई वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट था और ये भी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि उन्होंने पैसा वापस मांगते हुए उस इंटरेस्ट की भी नहीं बात की ठीक है तो ये काम चाइना नहीं करता चाइना कहेगा कि बेशक अपना लोन अपने सर पर ही रखो इंटरेस्ट तो दो ना क्योंकि वो जिसे कहते हैं पंजाबी में अपनी उंग, उंगली की चीज रखेगा ठीक है ना तो जिस जैसे हमारे महाजन ना, जी पुराने जमाने में जी जी। जी विलेज में हाँ। जो महाजन होते थे वो यही करते थे कि हमें आप सूद देते रहिए वो पैसा वहीं का वहीं रहे अगर सौ रुपया लिया तो सूद वो हजार ले लेते थे जी जी बिल्कुल ठीक। और फिर खड़ा हा, ठीक, हा, और ठीक। कल को अगर वो नहीं, दे चल रहा होता, नहीं दे सका तो वो अपना थे थे। तो चाइना की ये जो है, है, वो भी, मैंने जैसे उन्होंने अफ्रीका में किया लेकिन वहां पर थोड़ा सा रिवोल्ट होना शुरू अगेंस्ट अब मैं इसके बीच में ना अफगानिस्तान लेके आना क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं अफ़गानिस्तान को भूल जाते हैं जा रहा है जी क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं जिस तरीके से तालिबान वहाँ पर 60 परसेंट तो वैसे भी वो कंट्रोल उन्हीं के अंडर है जी, जिस तरीके से वो बाकी का 40 परसेंट जो है आने वाले दो सालों में उनका कंट्रोल हो जाना है उस वक़्त ये जो बफर जोन बनेगा क्या वो चाइना के साथ जाएंगे या पाकिस्तान चाइना और ईरान के साथ तो मेरा ख्याल उनका कोई ताल्लुक नहीं है जी क्योंकि जी, जी. सीधी लड़ाई है शिहा के अगेंस्ट तो रह गए ये तो उस वक़्त अफगानिस्तान के बीच में जो इंडिया ने बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं जी पिछले दस पंद्रह साल में तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इंडियन पॉलिटिशियंस ने ये सोचा नहीं कि फ्यूचर जो है फिर दोबारा तालिबान के हाथ में चले जाना या वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो तो वो किस तरीके के होंगे देखिए इंडियन गवर्नमेंट को पता है सिचुएशन क्या है डॉक्टर साहब इंडियन गवर्नमेंट से मेरी मुराद ये है कि जो स्टैब्लिशमेंट है आ, उनको पता है सिचुएशन क्या है अफग़ानिस्तान के बहुत ही कम चांस है बहुत ही कम चांस है वो चीन के पास जाएगा इसलिए कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो अमेरिका के कंट्रोल में है डायरेक्ट भी और इंटायरेक्ट भी है अभी है ना लेकिन मैं आपको ये बताऊं तालिबान भी सऊदी अरब के और अमेरिका के कंट्रोल में है डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी वो चीन के कंट्रोल में कभी नहीं चाहेंगे गल्फ रियासतों के कंट्रोल में तालिबान का ऑफिस है कतर में है ना मतलब कहीं वो बीजिंग में क्यों नहीं बना कोई आज से कतर में नहीं है नहीं। कतर किसकी जेब में है कतर तो भी? अमेरिका की आ, एक टेलीफोन कॉल तो ठीक है आ, आ, वो जो वहां पे ये जो बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं वो अमेरिका के खिलाफ नहीं होते अफगानिस्तान में जो ये अनरेस्ट होता है वो उनकी आपस में पश्तूनों की लड़ाइयां हैं क्योंकि ट्राइबल ट्राइबल वॉर ट्राइबल वार्स भी होती हैं कहीं पर नहीं इंटरेस्ट के मसाले हैं इंटरेस्ट के मसाले आप देखिए वो इस वक्त प्रैक्टिकली टू प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के राइट दोनों अमेरिका की जेब में लेकिन अमेरिका उनको एक टेबल पे नहीं बिठा सकता क्योंकि मुमकिन नहीं होता कि आप और मैं अगर एक ही इंटरेस्ट पे एक प्ले कर रहे हैं और हमारा कोई थर्ड जो हमारा कोई शॉर्ट ऑफ मास्टर है वो कहेगा कि यार ये तो बैठेंगे ही नहीं मुकम्मल तौर पर तो इनको भी कुछ दे दो बेनिफिट्स इनको भी दे दो यही तरीका है इन दोनों को भी जोड़ने का और दोनों को खामोश रखने का देखिए डॉक्टर साहब आइडियल सिचुएशन नहीं है अफगानिस्तान में कि हर चीज जो है अमेरिका के मुकम्मल कंट्रोल में है लेकिन ये बात तय है कि वो चीन के तो मेरा ख्याल है आइंदा सौ साल भी कंट्रोल में नहीं जाएंगे फाइन नहीं, लेकिन जब अमेरिकन फोर्स जो है क्योंकि अमेरिका इज़ जी टू गेट देयर बैक ठीक है जी और अ, चार हजार के करीब तो वो वापस ले भी गएगी बारह हजार के ठीक है।, है अगर वो फोर्सेज वहाँ से चले जाती हैं तालिबान जो है उनको कोई नहीं रोक सकता अफगानिस्तान को टेक ओवर करने में ये जो दो प्रेसिडेंट आप बात कर रहे हो उनमें से भी एक प्रेसिडेंट जो है वो उनके साथ मिल जाएगा नहीं नहीं, नहीं। दोनों दो ही मिल जाएंगे कोई इशू <laughs> नहीं है लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है गानी तो बात लेकिन मैं डॉक्टर फिर आपको तक... कह रहा हूँ कि तालिबान इस वक्त जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे नहीं नहीं फाइन लेकिन जो अमेरिका की वहाँ पर फोर्सेज है वो तो नहीं रहेंगी ना लेकिन बाद में देखिए तालिबान में भी जो आईसिस का एलिमेंट है जी। वो हो सकता है कि कल को दो चार पांच साल में वो दोबारा टेक ओवर कर ले इवन तालिबान इस वक्त मैं आपको इन्फॉर्मेशन हाँ। ये है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि आईसीस को सबसे ज्यादा खतरा तालिबान से है ठीक <laughs> है और आपस में लड़ाई है हाँ अमेरिकन को ये पता है कि आईसीस की वहां पे जो जो आईसी का पनपना है हाँ। उसको रोकने के लिए तालिबान ही चलेंगे ठीक है ये है ग्राउंड रियलिटी वहाँ की देखिए तालिबान वो वाले तालिबान अब नहीं रहे जो 94 95 के होते थे हुँ. वो वो भी एक इंटरेस्ट वॉर थी कि जब अमेरिकन ने पुल किया राइट तो उनके इंटरेस्ट को धचका लगा वो आपस में लड़ने लग पड़े पाकिस्तान को मकम्मल मदद मिलती थी अमेरिका से हुँ. पाकिस्तान वही पैसा अमेरिका के खिलाफ वहाँ पे इस्तेमाल कर देता था वो पाकिस्तानी तालबान थे इसमें डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी किताबें स्टीव कोल हैं एक राइटर जो आजकल वॉल्स जर्नल के शायद एडिटर हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन्होंने साल खास साल गुजारे उन्होंने कम अज़ कम कोई पाँच छः किताबें लिखी और एक नहीं है डलकन वॉल्स हैं और इन सब की किताबें पढ़ने के लायक हैं उन सब की भी इनसाइट यही है कि ये जो तब था पाकिस्तान का कंट्रोल तालिबान पर उसमें भी तालिबान वाले कहते थे कि हम कहाँ जाएँ चूंकि उनके पास अफगानिस्तान का तो पासपोर्ट ही नहीं होता था उनके पास ही पाकिस्तान के पासपोर्ट होते थे उनकी ट्रैवलिंग ही पाकिस्तान से होती थी तो वो इतना डिपेंड करते थे पाकिस्तान पे कि ना चाहते हुए भी उनको पाकिस्तान की बात सुनना पड़ती थी अब जरा हालात अफ़ग़ानिस्तान में ये जो डिप्लोमेटिक हालात हैं बेहतर हो गए हैं फ्लाइट्स आती जाती हैं पासपोर्ट्स उनको इशू हो रहे हैं तालिबान को अफगानिस्तान के चूँकि

ईरान ने की है बहुत भरपूर अंदाज में की है है ये जो मैसी वर्ल्ड होती डॉक्टर साहब आइडियलिज्म शिया सुन्नी नहीं चल रहा होता वहां सिर्फ और सिर्फ ना पैसे का कारोबार होता है और उसी पैसे के कारोबार में शिया सुन्नी के कार्ड प्ले होते हैं अगर शिया सुन्नी चलता है ना तो उसी पैसे के कार्ड में होता है आप तालिबान के किसी बड़े लीडर को ईरान कपल मिलियन डॉलर जैसा कि पहले दिया करता था अब नहीं दे सकता देता था तो जो चाहे हो जाता था नहीं देखिए अब रिलेशनशिप लेट्स से द उनके तालिबान जो है जी उन्होंने अल्टीमेटली इस वक्त भी वो 60% ठीक है अफगानिस्तान को ओन करते हैं कंट्रोल और, है हाँ और आने वाले टाइम में डेफिनेटली दे विल बी द पावर इन अफगानिस्तान दैट्स नंबर वन अब अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है तालिबान की गवर्नमेंट जी जी वो चाइना छोड़ दीजिए हाँ। चाइना के साथ नहीं बात खत्म हो गई पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो है और हिंदुस्तान के रिलेशन ये बड़े ये बड़े इम्पोर्टेंट मतलब फ्यूचर का एक बहुत बड़ा रोल होगा तो वो क्या आप समझ कि तालबान के, के बहुत सारे जो नए ग्रुप हैं ना फॉर द लास्ट फाइव टैन ईयर दे आर इन गुड रिलेशन विद इंडिया टू ये भी बात जेहन में रखें ठीक हाँ, है वो इंडिया के साथ भी उनके मुनासिब तलक़ात हैं बड़े रीजनेबल है ऐसी कोई बात नहीं है नहीं।, नहीं जब जब पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं है ना अच्छे तल्लक तालिबान के अच्छे तलक पाकिस्तान के साथ नहीं रहे स्वाए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के क्योंकि तालिबान के बहुत सारे धड़े हैं राइट ठीक सवाए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो जो द बोर्ड हैं तालिबान उनके वो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लक इसलिए नहीं रहे कि उनको अब इंडिपेंडेंस मिल गई है उनको ग्रीन सिग्नल अमेरिकन से मिल गया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से मिल गया उनके तल्लुत अफगानिस्तान के साथ ही होंगे क्योंकि वो अफगान ही हैं नहीं नहीं अफ़गानिस्तान को तो जब वो रूल ही कर रहे हैं तो जो बाहर से आए हुए थे जी जी तालिबान वो तो उन्होंने बाहर कर दिए एक साइड पर अब पंजाबी तालिबान नहीं रहे ये एक होती थी कई छपी हैं उस नाम से पंजाबी पुजाब, तालबानी पंजाबी तालिबान नहीं जो इजिप्ट के वहाँ आए हुए हैं जी। या दूसरे मुल्कों के आए हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ वो सब सब वो अपने अपने मुल्कों में नाइन्टी परसेंट वापस जा चुके हुए <laughs> ये पुरानी नहीं, नहीं, बड़े हैं वो निकाल दिए गए हैं इन्हीं तालिबान ने निकाले उनको चूंकि देखिये हम ये कहते थे कि अमेरिकन बहुत स्टोपर्ड है वो बहुत अक्लमंद फैसले नहीं करते लेकिन नहीं। इनकी इंटेलिजेंस इतनी थी इनको पता था वहां पर कि इनको कंट्रोल एक तो पैसे से करना है दूसरा गल्फ रियासतें जो हैं वो इनको कंट्रोल कर सकती हैं तीसरा यह है कि इनको हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मेज़ पर बैठा के इनको इंटरेस्ट दिलवाने हैं अब अमेरिकन फौजें वहां से आ जाएंगी तो यही तालिबान जो अफगानिस्तान वाले हैं ज़्यादातर वो अमेरिकन इंटरेस्ट का वॉच करेंगे वहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पश्तूनों को मारते रहेंगे

और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को वो सूट करती है अनफॉर्चुनेटली मसाला ये है उनको ये नहीं है कि सिविल वार्स से कोई नुकसान है उनको सूट करती है चूँकि वो अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ अपनी तालिबान फोर्स को यूज़ करेंगे कर भी रहे हैं माजी में पास में बहुत किया आजकल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर इन पशतूनों ने पी ने पश्तून तहफ़ मूवमेंट या वो जो रेबेलियन है जो पाकिस्तान की स्टेबल से अपने राइट्स मांगते हैं, हैं इनका शोर बरकरार रहा तो वो फिर यही तालबान यूज़ और होंगे जो पाकिस्तानी साइड के तालबान हैं ठीक है? है ये पहले डॉक्टर साहब कश्मीर में काफ़ी यूज़ होते थे अभी भी ये थोड़े बहुत यूज़ इनफिल्ट्रेशन की सूरत में होते हैं यूज़ Right. लेकिन अब चूंकि भारत की सरकार बड़ी सख्त हो गई है हाँ. पहले इतना टफ कभी भी टाइम नहीं दिया उन्होंने राइट राइट और फिर भारत के जो एक्शंस हैं अगेंस्ट दीज जहादीज hmm. उसको अब दुनिया भी सपोर्ट कर रही है पहले दुनिया इतना सपोर्ट भी नहीं करती थी हर भारत को पहले दुनिया की इतनी परवाह भी नहीं होती थी आज भी नहीं है होनी भी नहीं चाहिए hmm. लेकिन आज तो दुनिया वैसे ही भारत के साथ ऑन बोर्ड है और दुनिया डॉक्टर साहब ये जहाद और टेरिज्म का नाम अब सुनना भी नहीं चाहती उनके कान पक्के हुए हैं वो भी अब तंग आ चुके हैं वो कहते हैं कि भाई यह क्या हो रहा है तो फ्यूचर जो है ना पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट के इन खेलों का वो ब्राइट नहीं है इवन तालिबान और इस्लामिक स्पोर्ट्स है तो चीन को भी कबूल नहीं है साहब पाकिस्तान इसी में पाकिस्तान के आपने बात की अब पाकिस्तान में दो मेन प्रोविंस हैं एक पंजाब और एक सिंध ठीक है मैं समझता हूँ कि पंजाब इज मेन तो सिंध भी जो है।, है उसका भी रोल अब बिल्कुल ना के बराबर रह गया क्योंकि पी पी पार्टी खत्म हो गई है जी नियर अबाउट और बलवाल साहब जो आ रहे हैं उनकी कोई इतनी वो दूसरे पप्पू हैं जी अब पाकिस्तान के तो अब एक ही जब सूबा सब कुछ कंट्रोल करेगा तो फिर आने वाले जो इंटरनल रिवोट्स होते हैं जो इंटरनल डिसटिस्फेक्शन होती है लोगों के बीच में ये हमारे ऊपर हावी हुए हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो किस तरीके से आने वाले टाइम पर पड़ेगा क्योंकि उसका इफेक्ट हिंदुस्तान पर भी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब वो इफेक्ट तो बड़े अरसे से ऑलरेडी पड़ रहा है पाकिस्तान पे पाकिस्तान के ये जो इश्यूज़ हैं इंडस्ट्रीज नहीं लगती इन्वेस्टमेंट नहीं आती ये इसी अनरेस्ट की वजह से है ना कराची में जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक बैकबोन हुआ करता था अब वो बैकबोन इकोनॉमिक नहीं रहा बेशक इन्होंने रेंजर्स के जरिए आर्मी के जरिए महाजरों को चुप कराया हुआ है मैं ये नहीं कहता कि उनके उनको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया चुप कराया हुआ है लेकिन अनरेस्ट अंदर ही अंदर है जो कारोबारी आदमी हैं वो ज़्यादा कराची के मेहमान और बड़े बड़े ताजर हैं वो अब कराची में खुल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे फॉर द पास कपल ऑफ ईयर्स वो बांग्लादेश जगह के फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं आदम जी ग्रुप और ये वो जो बड़े बड़े ग्रुप होते थे उनकी फैक्ट्रियाँ अब बांग्लादेश में लगी हुई हैं कराची के बजाय तो ये सारी सूरत हाल में इफ़ेक्ट तो बड़े अरसे से देखने को आ रहा है नहीं ये आपने इकोनॉमिक इफेक्ट किया मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो तो है ही है जी जी लेकिन जो डिसग्रंटेड एलिमेंट हो जाता जी। है पॉपुलेशन के बीच में जी जी कि ये हमें 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 हमेशा ही हमारे ऊपर डंडा रखते हैं जी वो जो डिसग्रेंट एलिमेंट है वो क्या सिंध में क्योंकि अभी तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी और बेस्तून में लगे हुए हैं वो अगेंस्ट लेकिन जी। क्या सिंध में भी इस किस्म की मूवमेंट उठेंगे सिंध में डॉक्टर साहब उठ रही है इस वक्त मूवमेंट बल्कि चल रही है अभी सारंग जोयो बेचारे को एक आ, बच्चे को उन्होंने किया था हुआ और ये सैकड़ों इन्हीं दिनों ये कोई पुरानी बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब इसी इसी को तीन चार हफ्तों के दौरान सैकड़ों सिंधियों को उठा लिया गया है और सिंध में जो अनरेस्ट है उसका नुकसान बहरहाल ऑफकोर्स पाकिस्तान को ही हो रहा है भारत में उसका इफेक्ट कोई नहीं आएगा बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं आएगा चूंकि भारत में क्या करेंगे ये ये सिंधी जाती बम थोड़े फाड़ेंगे नहीं नहीं वो तो वो तो अगर बम फाड़ना चाहेंगे तो पाकिस्तान में फाड़ना चाहेंगे चूँकि इनकी इनकी ग्राजी तो पाकिस्तान की इंटरनल जब देखिए किसी कंट्री में जो लेबर वाला कंट्री होता है ना उनका जो इंटरनल डिस्प्यूट बढ़ते हैं उसका इफेक्ट नेबर पर पड़ता ही पड़ता है लेकिन डॉक्टर साहब अभी उस लेवल का सिंध में देखिए पश्तून पट्टी तो भारत के साथ मिलती नहीं वो तो अफगानिस्तान के साथ है Even बलोच की बाउंड्रीज भी नहीं है नहीं। वो भी अफगानिस्तान के साथ है या ईरान के साथ है ठीक है ना या या ईरान के, हाँ। के साथ है या उदरशन के साथ है सिंध की और पंजाब की हैं बाउंड्रीज इंडिया के साथ राइट। पंजाब असल पाकिस्तान है जैसा भी पाकिस्तान हाँ। है तो वहां तो अनरेस्ट मुझे नहीं लगता कोई होगा चूंकिब्लिशमेंट का वो प्रोविंस है मधर नवाज शरीफ जो पंजाब का जैसे सन ऑफ सॉइल है जैसा भी है जब उसके खिलाफ इतना जुल्म हुआ तो पंजाबी नहीं उठे तो वो अंदर नहीं हो सकता तो पंजाब तो जिसे कहते हैं ना सत्य कह हैं पंजाबी में कहते हैं <laughs> <laughs> पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सिंध में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है हाँ। भारत के साथ जो बाउंड्रीज लगती हैं वो महाजनों की तो लगती नहीं है वो तो ओशन में है कराची और राय right. ठीक वो हैदराबाद वगैरह वो जाके के वो थरपारकर और ये सारे के सारे राजस्थान के साथ लगते लगते हैं वहाँ तो बेचारे गरीब हिंदू बैठे हुए हैं जिनको मार पड़ती है हर रोज़ क्योंकि सिंध में तो हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद होती कि अब तो कम हो गई हाँ। लेकिन अभी भी कपल मिलियंस हैं और वो वो तो काबिल ही नहीं है कि भारत तो छोड़िए वो तो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा सके, और ना वो पहुँचाना चाहते वो तो बेचारे अपनी रोज़ी रोटी के और अपनी प्रोटेक्शन से ही बच जाए तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी ठीक है <laughs> तो इसलिए ये मूवमेंट सिंध में इतनी बड़ी नहीं होगी कि मसला होगा और फिर सिंध डॉक्टर साहब जगीरदारों के कब्जे में है जरदारी और पीपल्स पार्टी के लॉर्ड्स पीपल्स पार्टी सिंध में अभी भी बहुत मजबूत है लेकिन वो वही करते हैं जो स्टैबलिशमेंट उनके कहते हैं कभी कभी उनकी कुटसल चलती है लेकिन नॉर्मली वो इस्टेबलिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड होते हैं यहाँ पे वैसे मैं एक जुमला कहना चाहूँगा आपने पीछे बात की जो बिलावल है वो बड़ा बेहतर पप्पू है आपने जिस पप्पू का नाम लिया था मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता <laughs> वो वो बहुत ही सादा पप्पू है उनके बयानार बड़े ही मतलब मेरी समझ से बाहर होते हैं लेकिन बिलावल बड़ा बहादुर बच्चा है ये बड़ी बड़ी उमदा बात करता है इसने ऐसी ऐसी बातें की हुई हैं उसने कहा था इमरान खान को कि मुल्क चंदों से नहीं चला कर और ये इसकी तकरीर आप सुने ही नोज टॉक्स ये ये बहुत ब्रिलियंट पप्पू है <laughs> ये मैं आपको दूं नहीं, नहीं ब्रिलियंट पप्पू तो है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सिंध को बिलोंग करता है हाँ ठीक है दैट्स नंबर वन अच्छा नंबर टू वो आपने आप को अपनी पार्टी में फादर के अगेंस्ट अभी तक कंप्लीट लीडर नहीं बना सका वो मैं आपको बताऊं वो है लीडर वो जब उन, को जरूरत पड़ेगी ना तो वो बिलावल को कर वो फिर के बाद कोई, एक शायद कोई और आएगा वरना वो बिलावल आ जाएगा। लेकिन बिलावल इमरान की तरह ना इस्ट को सर्व नहीं कर सकता नहीं। कोई भी शख्स इमरान की तरह पाकिस्तान <laughs> की को सर्व नहीं कर सकता जितना बड़ा यह प्रॉपिट है ना इतना बड़ा प्रॉपिट को एक आदमी तो पिछले चालीस साल से सर्व कर रहा है कुरेशी हाँ नहीं बचे जो है न, वो वो मतलब हो। हर पार्टी में वो फिट हो जाता है नहीं एक और आदमी भी है और एक नहीं कई आदमी है मैं आपको बताता हूँ ये अपना शेख रशीद शेख रशीद इतना समझदार आदमी है लोग इनको, इनको समझते हैं कि ये कोई बहुत ही एंटरटेनर किस्म का है शेख रशीद इन सबसे समझदार उसको ये पता है कि कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना क्योंकि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ पाकिस्तान शेख रशीद नोज इन्स एंड आउट्स जहादी चलाए हैं कश्मीरी कैंप चलाए हैं वो हर वो इस्टेब्लिशमेंट का मैं कहता हूँ वो जो होता है ना निगरान वजी वजीर अज़म वजीर होता है जो जिस गवर्नमेंट में जाता है उस गवर्नमेंट पर नजर रखता है और उनको बताता है कि ये काम आपने नहीं करना अंदर ही अंदर बयान नहीं आए बयान उनपट से आएंगे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन शेख रशीद एक समझदार आदमी है ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं ये चूंकि फॉरन सर्विस का एक फ्रंट मैन है पुराना आदमी है लेकिन मेरा ख्याल है कि अगली किसी सरकार में ये शायद नहीं होगा अब उम्र भी उसकी काफ़ी हो गई है इसलिए कि उन्होंने इस सरकार में बहुत ही बलेंडर किए हैं देखिए नवाज शरीफ की, की गवर्नमेंट जब थी तो उसमें जो इनके फ्रंट मैन होते थे सदी कांजू होते थे या ख्वाजा आसफ होते थे ये जो लोग होते थे ये समझदार होते थे ये स्टैब्लिशमेंट की लाइन टो करते थे मगर इन ये अपनी बात भी करते थे इनको पता होता था तो ओवरऑल अब आपको क्या क्या लगता है ओवरऑल डॉक्टर साहब यही है कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरब से तल्लु हैं वो मकम्मल तौर पर तो खराब नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरे की जोर तो रहती है दरवाजे मकम्मल तौर पर बंद नहीं होंगे लेकिन वो वाली बात नहीं रही है उस वाली बात को वापस लाने के लिए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं पाकिस्तान के हमारे तो नहीं कहना चाहिए वहाँ की हैं वो जो हैं हम जरा प्यार से कह रहे हैं हम सब के पूरी दुनिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है बाजवा साहब वो गए थे उनको भी पता था कि ये एक दौरे का काम नहीं है ये ऐसा नहीं होता कि एक दौरे में हर चीज़ ठीक हो जाती है या ख़राब हो जाती है खराब हो होने के ज़्यादा चांस होते हैं ठीक होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं टाइम लगता है अब ये जो सिचुएशन है उस रीजन की वो रीजन की सिचुएशन डॉक्टर साहब डिटर्मन करेगी कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने कितना चलना है कितना नहीं चलना ये हम आज कुछ नहीं कह सकते ये आने वाले दिनों में पता चलेगा वो कैसे सिचुएशन बनती, बनती है चीन जो है चीन राह रहे पाकिस्तान को अपने साथ बोर्ड ऑन बोर्ड रखेगा लेकिन चीन को पाकिस्तान एक बहुत छोटा उसका मसला है चीन को बड़े बड़े मसाइल हैं बहुत बड़े कि उनको अपनी इंडो पैसिफिक ओशन में कैसे बचना है साउथ चाइना ओशन में कैसे बचना है ये उनके बहुत बड़े मसाइल हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो पूरी दुनिया में चीन के फैले हुए हैं तो, तो चीन और पाकिस्तान का डॉक्टर कोई कंपैरिजन ही नहीं है नहीं और कंपैरिजन तो मिडिल ईस्ट और हाँ। पाकिस्तान का भी कोई कंपैरिजन ही नहीं है <laughs> <नहीं। laughs> वो तो पाकिस्तान बेचारे की अपनी होती है मजबूरिया यही बयान दे रहे होते हैं बढ़ चढ़ के कि चीन हमारा बेहतरीन यार है और ये चीन कभी कोई इतने इस लेवल तक जाके बात नहीं करता कभी कभी करता है और जो गल्फ स्टेट्स हैं वो कभी भी नहीं किया करती जिस तरह की कहते थे हम भाई भाई अच्छे हैं बस ठीक है चलते रहो पैसे लेते रहो काम करते रहो जो चाहिए हमसे काम कर लो तो वो ऐसे ये इसी तरह ही तल्लक चलेंगे अब पाकिस्तान कैसे अपने तल्लक है पॉलिसियां कैसे बदलता है लेकिन पाकिस्तान की डॉक्टर जो पॉलिसियां का बदलना है वो इंटरनेशनल अब पर है पाकिस्तान की अपनी कोई सेहत से जो थोड़ी बहुत होती <laughs> थी, थी वो भी नहीं रही साहब बहुत बहुत धन्यवाद वीक के लिए और आपको जाते जाते फिर आपको बता दें कि प्लीज याद रखिए टैग टीवी कैनडा एट जी मेल डॉट कॉम अपने कमेंट्स जो हैं इसी पे ज़्यादा भेजिए और कोशिश करिए कि टैग टीवी की जितनी भी हेल्प हो सके आप करें टैग टी वी कैनडा एट जी मेल डॉट कॉम हमें दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीक वी विल सी यू अगेन सब्सक्राइब टैग टीवी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन